एक जिसने अपने काम से अपना और अपने पूरे परिवार का नाम सालों से रोशन किया, और दूसरा वो जिस पर उसके परिवार की एक्सपेक्टेशन है कि वह नाम रोशन करे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा फॉर्च्यूनर और XUV700W की। आज इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे, लेकिन लेट मी क्लियर फर्स्ट, ये दोनों कारें अलग अलग सेगमेंट और अलग अलग कंज्यूमर को टारगेट करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि फॉर्च्यूनर का लीजेंडर यानी टॉप ट्रिम मॉडल 45 लाख प्राइस पर आता है, उसकी आधे से भी कम प्राइस पर हमारी XUV700W का टॉप मॉडल आ जाता है। तो इस लिहाज से हम इन दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे डिज़ाइन, लुक्स और डायमेंशन की। महिंद्रा XUV700W के फ्रंट ग्रिल पर लगे 6 स्लॉट ग्रिल, LED सी शेप्ड हेडलैम्प और 18 इंच के बड़े अलॉय व्हील के साथ में ये मॉडर्न एज SUV की झलक दिखाती हैं। वही फॉर्च्यूनर ट्रेडिशनल डिज़ाइन फिलोसफी के साथ साइज में बिग, बल्कि एंड वो रगेड SUV वाला फील देती हैं। और डायमेंशन वाइज फॉर्च्यूनर XUV700W से थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन अगर व्हील बेस की बात करें तो XUV700W का व्हील बेस बड़ा है फॉर्च्यूनर से 5 mm। अब बात करते हैं फीचर और कन्वीनियंट की। तो सबसे पहले इन दोनों कारों में जो कॉमन फीचर हैं उनकी बात करते हैं। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, D9 IRVM, 6 स्पीकर, साउंड सिस्टम, 18 इंच अलॉय व्हील, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक IRVM और एक इंफोटेनमेंट। अब बात करते हैं उन फीचर की जो इन दोनों कारों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। जैसे फॉर्च्यूनर में 2-व्हील ड्राइव का सेटअप आता है, वही XUV700W में हायर वेरिएंट में 4-व्हील ड्राइव का सेटअप आता है। वही XUV700W में 10.2 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अमेजोन एलेक्सा वर्चुअल असिस्टेंट, ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ, पॉपअप हैंडल बार, 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद मेमोरी फंक्शन, सोनी के 3D ऑडियो सराउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा। और अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो दोनों ही कारों में ABS+ EBD, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, साथ साथ एयरबैग, D9 IRVM, हिल असिस्ट जैसे फीचर मिल जाते हैं। लेकिन XUV700W में ADAS यानी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ड्राइवर अटेंशन लेवल, ड्राइवर ड्रोजीनेस डिटेक्शन, रियर कैमरा जैसे फीचर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इंजन और ट्रांसमिशन की। जहां फॉर्च्यूनर में 4 सिलेंडर 2.8 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आता है, जो अराउंड 200 BHP की मैक्स पावर और 500 Nm का पीक टॉर्क बनाता है। वही XUV700W में MHawk 4 सिलेंडर 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 197 BHP की मैक्स पावर और 380 Nm का पीक टॉर्क बनाता है। लेकिन इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही ट्रांसमिशन अवेलेबल कराया गया है। अगर पावर फिगर की बात करें तो फॉर्च्यूनर XUV700W से काफ़ी बेहतरीन है। जहां फॉर्च्यूनर का इंजन आपको ऑन रोड और ऑफ रोड कभी पावर की कमी महसूस नहीं होने देगा, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि XUV700W का इंजन अंडर पावर है। ये अपने सेगमेंट में बेहतरीन इंजन है, लेकिन अगर बात करें फॉर्च्यूनर की तो उससे ये टक्कर नहीं ले सकता है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो ये दोनों SUV अपने आप में सक्षम और प्रभावशाली होने के साथ साथ अपने सेगमेंट में अनोखी और चहेती हैं। लेकिन जहां ये दोनों डिफरेंट कंज्यूमर को अट्रैक्ट और टारगेट करती हैं, लेकिन तब भी सबसे बड़ा सवाल, कौन इन दोनों में से सबसे बेहतर है? तो ये जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मुझे पर्सनली ये दोनों कारें ही अच्छी लगती हैं,